क्या दोस्तों आप भी मेरी तरह तजस्सुस दिमाग के आदमी हैं? अगर हैं तो फिर तो आपके दिमाग में भी आता होगा कि क्यों हर बार अमेरिका इसराइल की हिमायत करता है, क्यों हद से ज़्यादा फंडिंग इसराइल में अमेरिका करता रहता है, क्यों हर बार जो है अमेरिका इसराइल की गलतियों पर पर्दा डालता रहता है, क्या रिश्ता क्या है इन दोनों के दरमियान? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिएगा, मैं आपको कुछ अहम फैक्ट्स बताऊंगा जो अमेरिका और इसराइल के दरमियान है। The way President Biden speaking with Prime Minister Netanyahu again this morning, telling him a carrier strike group is on the way, as well as weapons, ammunition, and fighter jets. But there is concern tonight about how the chaos. The crimes that were committed, the barbaric actions that were committed against Israel and the victim, the Palestinian people's right to self-determination, their right to justice. तो दोस्तों जब कोई अमेरिका में पॉलिटिकल पार्टी पार्टिसिपेट करती है इलेक्शन में तो वो अपनी इस चीज़ पर स्पीचेस जो होती हैं उनकी खास ध्यान रखती है कि उसमें वो इसराइल की सपोर्ट का एक अलग से पैराग्राफ ज़रूर ऐड करते हैं, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि अभी एक सर्वे किया गया था अमेरिका में, एक पोल क्रिएट किया गया जिससे आवाम की राय ली गई, तो आप यकीन करेंगे 55% जो ना आवाम अमेरिकन वो ये इसराइल के हक में फैसला दे रहे थे कि इसराइल को सपोर्ट देनी चाहिए, और जो और सिर्फ 26% जो थे वो फलस्तीन के हक में फैसला दे रहे थे। तो आप इस पोल से अंदाज़ा लगा लें कि इसराइल की कितनी सपोर्ट करता है अमेरिका। तो दोस्तों अगर हम इस चीज़ की तय में जाना चाहते हैं तो हमें काफ़ी पीछे से स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे हिटलर ने तकरीबन 6 मिलियन ज्यूज को जो ना वो कत्लेआम उनका किया था, अब फिर उसके बाद जब जो ये यहूदी थे ये दरबदर हो गए थे, फिर उन्होंने 1948 में जब इन्होंने अपनी एक आज़ाद ममलिकत का ऐलान किया जो इनको ज़मीन फ़लस्तीन में दी गई थी, तो काफ़ी अरब ममालिक थे जिन्होंने इसका बायकॉट किया, इसको तस्लीम नहीं किया और इनके खिलाफ ऐलान जंग किया। लेकिन आपको एक फैक्ट की बात बताऊं, उसी रात जो ना यूनाइटेड स्टेट ने इसको तस्लीम कर लिया था और सोवियत यूनियन ने भी तकरीबन इसको तस्लीम कर ही लिया था। तो दोस्तों आपको एक और बात बताता चलूँ, जब अमेरिका ने इसराइल को तस्लीम किया तो इसने शुरू से ही खुली सपोर्ट का ऐलान नहीं किया था और ना ही खुली सपोर्ट वो करता था। आप इस बात का अंदाज़ा यहाँ से लगा लें कि इसराइल ने फ्रांस और बरतानिया के साथ मिलकर मिस्र के ऊपर हमला कर दिया, जबकि सोवियत यूनियन और अमेरिका ने इसकी बिल्कुल ही मजम्मत की और अमेरिका ने इन तीनों को धमकी दी कि अगर आपने अपनी फौजें वापस ना बुलाई तो हम आप पे इकोनॉमिकल पाबंदियां लगा देंगे। तो इस बयान के रद्द अमल में बरतानिया और फ्रांस ने अपनी फौज वापस बुला ली और उसके बाद फिर इसराइल ने भी अपनी फौजें वापस बुला ली। लेकिन दोस्तों इसके बाद इसराइल और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात में अचानक से तब्दीली आने लगी जब 1967 में इसराइल ने इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन की फौज को सिर्फ 6 दिन में शिकस्त दे दी। तो इस जंग के बाद इसराइल मशरक़ वस्ता के खत्ते पर एक मजबूत रियासत बनकर उभरा। और दोस्तों मजे की बात यह कि इस दौरान जो है सोवियत यूनियन और अमेरिका के खिलाफ कोल्ड वॉर चल रही थी, तो लिहाजा जो है अमेरिकन पुलिस साहब ने इसराइल के सोवियत यूनियन के असर व रसूख पर काबू पाने के लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर इसराइल को देखना शुरू किया। तो इस तरह अमेरिका और इसराइल के ताल्लुकात मजबूत से मजबूत होते रहे। और दोस्तों आपको एक और मज़े की बात बताता चलूँ, एक जो रिपोर्ट शाया हुई उससे हमें ये पता चला कि 1948 से लेकर 2022 तक अमेरिका ने इसराइल की $317 बिलियन की इमदाद कर चुका है। और अमेरिका के जो साबिक सदर थे बराक ओबामा, उन्होंने इसराइल के साथ ये मुआहदा साइन किया था कि वो इसराइल को 2019 से लेकर 2028 तक $48 बिलियन और मजीद इमदाद देंगे। जैसे कि आपने देखा अमेरिका के और इसराइल के सिफारती तालुकात बहुत मजबूत हो गए, लेकिन अमेरिका इसराइल के और मुल्कों के साथ भी सिफारती तालुकात को बेहतर करने में बड़ी कोशिश कर रहा है। जैसे कि अभी रिसेंटली आपने सुना होगा सऊदी अरब ने जो है ना मुआहदा किया है इसराइल के साथ, लेकिन ये चीज़ फ़लस्तीन के लिए मुझे बेहतर नहीं लग रही, आपको भी बिल्कुल नहीं लग रही होगी। जाहिर सी बात है एक सऊदी अरब जो एक इस्लामिक मुल्क है और यहूदियों के साथ बिल्कुल भी नहीं खड़ा होना चाहिए उसको। लेकिन हम अब जब दूसरी तरफ जाते हैं, देखें अब इसराइल को सिर्फ इमदाद नहीं देता, इस इमदाद के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी करता है। जैसे अभी टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्टमेंट करता है, आपने सुना होगा इसराइल का आयरन डोम, उस पर मैं एक पहले भी वीडियो बना चुका हूँ और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भेजता हूँ, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। अगर कभी अमेरिका से यूनाइटेड नेशन में सवाल होता है कि आप किसकी तरफ हैं, आप इसराइल या फ़लस्तीन के तनाज़े पर अगर किसी फर्क का इंतखाब कर रहे हैं तो आप किसकी तरफ होंगे, लेकिन अमेरिका यहाँ जो एक सियासत करता है वो 58% किसी को वोट नहीं देता, लेकिन 32% जो है इसराइल के साथ देता है और 8% जो है ना वो फ़लस्तीन के साथ देता है। आप इसकी यहाँ से मुनाफ़त देख सकते हैं। लेकिन कई दहाइयों से इसराइल और फ़लस्तीन के हवाले से अमरीकी पोजीशन पर नज़र रखने वाले प्रोफेसर जोंस का कहना है कि तारीखी अखबार के ज़्यादातर ममालिक इसराइल पर होने वाले हमलों के साथ साथ इसराइल की जानब से आम शहरियों को निशाना बनाने पर भी तनकीद करते हैं। जो प्रोफेसर हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे इसराइल जो है जब हमला करता है फ़लस्तीन पर तो फ़लस्तीन की आवाम भी मारी जाती है, जो बाकी जो ममालिक हैं आस पास के जो मुल्क हैं वो इस पर तनकीद करते हैं कि आप वहाँ के आम शहरियों को क्यों मार रहे हैं, उनका तो कोई कसूर नहीं है। लेकिन दोस्तों जब अमेरिका से पूछा जाता है तो वो हमेशा इसराइल, हमास और गजा को तनकीद का निशाना ही बनाता है।
और अगर दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, अगर कोई फैक्ट मुझे रहेगा तो आप मुझे बताइएगा और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ वो भी आप मुझे कमेंट में बता दूँ। थैंक यू सो मच।